स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2022। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा आपका जो पेपर होने वाला फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का, ठीक है, 27 जून 2022 को दोस्तों यही पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये पेपर आपकी एग्जाम में दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, आपका जो पेपर दोस्तों 27 जून 2022 को, दोस्तों आपका पेपर एक ही दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 27 जून 2022 को। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस पेपर के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक दिया दोस्तों 70 नंबर का, ये पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों समय रहेगा 3 घंटे का, इस पेपर का यहाँ पर समय रहेगा। और दोस्तों इस पेपर में टोटल 19 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है आपको, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, आप इन निर्देशों को ध्यान पढ़ लीजिए। दोस्तों हमको यहाँ पर 6 निर्देश दिए, आप 6 निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और दोस्तों यदि आपने इस पेपर को अच्छे से लगा लिया तो गारंटी देता हूं दोस्तों आप एग्जाम में 70 नंबर में से 65 नंबर अच्छे से लेकर आ जाओगे। ठीक है, यहां पर देख लीजिए दोस्तों, ये पेपर आपकी एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां पर समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखे है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपकी एग्जाम में 7 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला सही विकल्प दिया है। पहले सही विकल्प में दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चार्ट कर लेना है। दोस्तों फटाफट इनका आंसर आपकी बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये भौतिक शास्त्र का, ये फिजिक्स का पेपर है दोस्तों 27 जून 2022 का। ठीक है, सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा का। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प दिया है, दूसरे सही विकल्प में दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प दिया है, तीसरे सही विकल्प में दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से हमको दोस्तों राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, पांचवा सही विकल्प यहाँ पर दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठा और सातवा सही विकल्प यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों आपके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये पेपर आपकी एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश है मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लिया। ठीक है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर हमें सही विकल्प को चयन करके लिखना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में सही विकल्प चुनकर लिखे है। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पर लिखे है। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें खाली स्थानों की पूर्ति करना है। हमको यहाँ पर दो ऑप्शन दे गए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर के खाली स्थान आने वाले। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारे यहाँ पर पहला खाली स्थान दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दोस्तों यहाँ पर पहला खाली स्थान यहाँ पर दिया है, दूसरा खाली स्थान यहाँ पर दिया है दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इनके उत्तर आपको आपकी बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों, फटाफट याद कर लीजिए। यदि आपको पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम में यदि पास होना है और अच्छे नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर दिया है। जो स्टूडेंट इसका इंग्लिश, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन छाट कर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन में हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सही जोड़ी बनाकर लिखे है। दोस्तों यहाँ पर हमको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। ये आपकी एग्जाम 7 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ दोस्तों हमको यहाँ पर स्तंभ आ दिया है, एक तरफ दोस्तों स्तंभ बा दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, स्तंभ आ से बा का मिलान करना है। ये आपके यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों, फटाफट याद कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, यहाँ पर समझ लीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, ये आपकी एग्जाम 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर 2nd क्वेश्चन दिए, ये आपके यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इनको उत्तर आपको आपकी बुक से लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश है वर्जन में, इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख कर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम में यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोस्तों यहाँ पर अतः क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके
बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों आपकी एग्जाम में दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन आएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है, उसके बाद इनके आंसर आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। फटाफट याद कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर एट आपकी एग्जाम में यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों आपका मेन एग्जाम है दोस्तों सेट के अनुसार पेपर आते थे, बट दोस्तों यहाँ पर पूरे परीक्षा में सेट के अनुसार पेपर नहीं आएंगे, एक ही पेपर सभी को आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है, क्वेश्चन नंबर नाइन आपकी एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टेन दिया है, क्वेश्चन नंबर दस आपकी एग्जाम में यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इलेवन दिया है, क्वेश्चन नंबर इलेवन आपकी एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर बारह दिया है, क्वेश्चन नंबर बारह आपकी एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तेरह दिया है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर तेरह आपकी एग्जाम में यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको और मतलब अतो क्वेश्चन दिया है, आपको पहला और दूसरा, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर चौदह देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर चौदह भी आपकी एग्जाम में यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पंद्रह पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पंद्रह आपकी एग्जाम में यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पंद्रह का पहला वाला दिया है, यहाँ पर इसका अतोल क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, मतलब आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सोलह देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सोलह आपकी एग्जाम में यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को याद मत कीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सत्रह क्वेश्चन देख लीजिए, सत्रह क्वेश्चन आपकी एग्जाम में यहाँ पर चार नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी यहाँ पर चार नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अट्ठारह पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अट्ठारह आपकी एग्जाम में यहाँ पर पाँच मतलब फाइव नंबर का आने वाला है। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उन्नीस, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उन्नीस, ये आपकी एग्जाम पाँच नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आपके यहाँ पर पाँच नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। दोस्तों इस पेपर का आंसर आप आपकी बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों यदि ये पेपर आपकी एग्जाम में नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको इस पेपर का पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।